हमने लास्ट लेक्चर में क्या किए थे, ग्रुप्स, हमारे टोटल ग्रुप्स कितने हो चुके हैं, 18, यानी 28 में से हम 18 ग्रुप्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो फर्दर ग्रुप्स करेंगे हम, वो 10 रह चुके हैं, आज हम सभी वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप वो सबको समझ आ गए होंगे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाउट मुझसे ले सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फर्दर ग्रुप्स कर रहे हैं। हमने पढ़ा था टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 28। उन 28 ग्रुप्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप। जो प्राइमरी थे वो टोटल कितने थे, 15 थे, और जो सब ग्रुप थे वो टोटल 13 थे। देखिए हमारे ये जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ तक, बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक OD अकाउंट, ब्रांच, कैपिटल, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, डिपोजिट एसेट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसिस, डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसिस डायरेक्ट, एक्सपेंसिस इनडायरेक्ट, फिक्स्ड एसेट्स, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसिस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड लाइबिलिटीज, मिसलेनियस एक्सपेंसिस, प्रोविजन्स, परचेजेस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट था सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स कौन से लोन थे, हमने पढ़ा था सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब होता है सुरक्षित, जब कोई चीज सुरक्षित हो। हमने किसी से पैसे लिए और उसको क्या कर दिया, सुरक्षित। सुरक्षित कैसे किया कि हमने उसको कुछ भी साथ में दे दिया, जैसे कि हमने लोन लिया गोल्ड दे दिया, लोन लिया प्रॉपर्टी दे दी है हमने, तो हमने इसको क्या बोला था, सिक्योर्ड लोन्स। हमारे यहां तक ग्रुप्स क्या है अभी क्लियर हो चुके हैं, क्लियर है सबको। हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टॉक इन हैंड, स्टैंडर्ड क्रेडिटर, डेटर, सस्पेंस और अनसिक्योर्ड लोन। ये 5 स्टॉक ग्रुप्स हमारे रहते हैं और आज हमारे ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। सबसे पहले आता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक का मतलब क्या होता है, सामान। अगर दुकान में सामान नहीं होता ना तो कस्टमर भी नहीं होता। कस्टमर बिल्कुल किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, सामान के साथ। जिस शॉप को अगर हम खाली देखते हैं ना, उस शॉप पर हम खुद भी नहीं जाते। तो स्टॉक इन हैंड का मतलब है कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक है या क्या क्या सामान हमारे पास है। तो कोई भी कस्टमर शॉप पर जाने से पहले किसकी डिमांड करता है, स्टॉक। हर शॉप में 2 टाइप का स्टॉक होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। हमें पता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है, जो कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। जो ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा, उस दिन जो हमारी दुकान खोली है हमने, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर का न्यू स्टार्टअप हुआ है, तो उसे स्टॉक को बोलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। द स्टॉक विच इज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। वो स्टॉक जो ईयर के बिगनिंग में है हमारे पास, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, बंद होना। क्लोजिंग का मतलब होता है बंद होना। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो ईयर के एंड में हमारे पास है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर का एंड कब होता है, अगर आपको पता हो तो 31 मार्च को हमारे ईयर का एंड हो जाता है, स्टॉक इन हैंड। क्लियर है, स्टॉक इन हैंड पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि स्टॉक इन हैंड हमारी करंट एसेट्स है, यानी एक सब ग्रुप है, इट इज नॉट ए प्राइमरी ग्रुप। अगर कोई भी प्राइमरी ग्रुप होता है तो वो किसी के अंडर नहीं होता, सब ग्रुप हमेशा अंडर होगा, बट प्राइमरी ग्रुप किसी भी ग्रुप के अंडर नहीं होगा। तो स्टॉक इन हैंड कौन सा ग्रुप है, हमारा सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है सन्डरी क्रेडिटर। सन्डरी क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सन्डरी क्रेडिटर भी एक हमारा सब ग्रुप है, क्योंकि कौन से ग्रुप के अंडर आता है, करंट लाइबिलिटीज ग्रुप के अंडर आता है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जब हमने किसी से क्या किया है, परचेज किया है, क्या किया है, परचेज, और उसकी पेमेंट अभी हमने नहीं की है, मतलब हमने क्रेडिट परचेज किया है। जब कोई भी सामान दुकान में हमने खरीदा और उधार पे खरीदा और उसकी पेमेंट हमने अभी तक नहीं की है। बात को ध्यान से सुनना है आपने कि अभी हमने खरीद लिया है लेकिन पेमेंट हम बाद में करेंगे, उसे कहते हैं सन्डरी क्रेडिटर। सन्डरी क्रेडिटर मीन्स अ पार्टी फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड नो पेमेंट हैज बीन मेड टू देम। क्रेडिटर एक वो व्यक्ति होता है जिससे हमने उधार पर सामान खरीद लिया है और जिसके पैसे हमने अभी नहीं दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं सन्डरी डेटर्स। सन्डरी डेटर्स कौन होता है, एक वो पार्टी
जिसको हमने उधार पर सामान सेल किया है. इट मीन्स अ पार्टी, सन्ड्री डेटर मीन्स अ पार्टी टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक वो पार्टी जिसको हमने गुड्स उधार पर बेच दिए हैं एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, और जिससे हमें अभी पैसे नहीं मिले हैं, उसे बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर भी एक सब ग्रुप होता है, ये एक प्राइमरी ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ये किसके अंडर आता है, करंट एसेट्स के अंदर, और करंट एसेट्स हमारी एक प्राइमरी ग्रुप में काउंट अप होता है. क्लियर है सबको? ये था हमारा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और एक हमने अभी किया सिक्योर्ड लोन स्टॉक इन हैंड. उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट जब हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा बैलेंस बचा हुआ है और वो किस लेजर का है, कि वो पार्टी सन्ड्री डेटर का है या पार्टी क्रेडिटर का है, या फिर वो बैलेंस हमारा करंट एसेट्स का है, करंट लायबिलिटीज का है, इनडायरेक्ट इनकम का है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है. जब किसी बैलेंस की कोई भी नॉलेज नहीं है हमें, तो हम किसके अंडर रखेंगे वो? सस्पेंस अकाउंट के अंडर. किसके अंडर रखेंगे? सस्पेंस अकाउंट के अंडर रखेंगे. नेक्स्ट आते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स. अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? जो लोन हमने किसी से लिया बट कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी हमने. अनसिक्योर्ड लोन भी एक टाइप से क्या होता है हमारे लिए? बिल्कुल वो लोन होता है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमसे हमें किसी से लिया जाता है. कभी भी लोन जो होता है ऐसा नहीं है हमेशा बैंक से लिया जाता है. समटाइम बैंक एक पर्सनल प्राइवेट पर्सन से ले सकते हैं, हम किसी अपने रिश्तेदार से ले सकते हैं, हम किसी अपने क्लीग से ले सकते हैं. तो अनसिक्योर्ड लोन एक वो लोन होता है जो लोन बिना गिरवी के लिया गया है. जिस पैसे को लेने के लिए आपने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, उसे क्या कहते हैं हम? अनसिक्योर्ड लोन्स. क्लियर है? अनसिक्योर्ड लोन एक हमारा कौन सा ग्रुप के अंडर आएगा? लोन्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर. यानी कि जो लोन्स एंड लाइबिलिटीज होता है, हमने इसकी डेफिनेशन भी की थी कि व्हेन वी हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक प्राइवेट पर्सन, जब हमने किसी से लोन लिया है उसको कहते हैं हम लोन्स एंड लाइबिलिटीज. इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करके किया था, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड का मतलब क्या था? जब हमने कोई लोन लिया है और कुछ गिरवी रखकर लिया है. अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? जब हमने किसी से लोन लिया और कुछ भी गिरवी नहीं रखा था. ठीक है ना? तो हमारे सारे ग्रुप्स आज क्लियर हो चुके हैं. अभी इन ग्रुप्स की मदद से हम क्या बनाएंगे? लेजर्स. देखिए हम क्या बना रहे हैं? लेजर. लेजर बनाने के लिए हम लेजर्स पर गए क्रिएट. सबसे पहले देखिए, मैंने किसी से व्हीकल लोन लिया है तो व्हीकल लोन अकाउंट, ये किसके अंडर आने वाला है? सिक्योर्ड लोन. ये एक सिक्योर्ड लोन है क्योंकि व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स को हमने गिरवी रखा है. ये व्हीकल लोन हो गया हमारा. ठीक है ना? अगर लोन फ्रॉम मोनिका अकाउंट, लोन फ्रॉम मोनिका का मतलब है चाहे मोनिका हमारी कोई भी कुछ भी लगती है, बट ये लोन हमने एक पर्सन से लिया है तो ये हमारा कौन सा लोन है? अनसिक्योर्ड लोन. आप देख भी सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोन्स एंड लाइबिलिटीज. नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम? राधिका ट्रेडर्स अकाउंट. राधिका एक पार्टी है जिससे मैं सामान खरीदती हूं. जब जिस पार्टी से हम सामान खरीदते हैं और वो क्रेडिट पर खरीदते हैं तो वो हमारा क्या होता है? क्रेडिटर. क्या होता है? क्रेडिटर्स. अगर यही राधिका को हम सामान सेल कर रहे होते तो वो क्या होता हमारा? डेटर्स. DEBTORS. सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स में यही डिफरेंस होता है कि क्रेडिटर से हम सामान खरीदते हैं और डेटर्स को हम सामान सेल करते हैं. मान लो मैंने मोहनदास को सेल किया, जब मैं इसको सेल कर रही हूं तो ये मेरा क्या लगता है? डेटर्स. डेटर एक वो पार्टी होती है जिससे हमने पैसे लेने हैं. अब मान लीजिए एक पार्टी है, मुझे नहीं पता इससे सामान, इससे पेमेंट आनी है या देनी है, तो वो टीना
टीना नाम की पार्टी, तो वो मेरे सस्पेंस अकाउंट में। पार्टी का हमें कोई रोल नहीं पता, या जिस इनकम के बारे में हमें नहीं पता कि वो इनकम रिसीव हो रही है या वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जिस चीज का हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ अकाउंट्स बनाते वक्त ऐसी चीजें होती है कि हम बाद में भूल भी सकते हैं, या हमारे पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन ना हो, या हमारे पास कोई बैलेंस एरर भी आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो कुछ भी बैलेंस को क्लियर करने के लिए क्रिएट किया जाता है, किसी भी डिफरेंस को सॉल्ट आउट करने के लिए। ये देखिए, हमने बहुत सारे लेजर्स क्रिएट किए हैं, ये सभी के सभी ग्रुप्स के अंडर हमने क्रिएट किए थे। अगर जिस लेजर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मुझे एडवांस रेंट की नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया उसको डिलीट। तो आप स्टेप्स भी लिख सकते हो, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग द लेजर्स इन टैली, गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर्स, देन क्रिएट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजर्स इन टैली, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर मीन्स ओनली वन लेजर इज क्रिएटेड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सिंगल लेजर का मतलब होता है एक बार में एक ही लेजर क्रिएट होगा। मल्टीपल लेजर मीन्स मोर देन वन लेजर्स, मोर देन वन अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मल्टीपल लेजर का मतलब होता है एक से ज्यादा लेजर आप एक टाइम में बना सकते हो। क्लियर है सबको ये? अगर आपको कोई भी लेजर क्रिएट करने में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे पूछ सकते हो। आप इनकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना, क्योंकि लेजर जब तक आपको नहीं आएंगे तो आपको टैली में काम करना भी नहीं आएगा। कोई वाउचर एंट्री नहीं कर पाओगे, तो लेजर्स की प्रैक्टिस बहुत मस्ट है आपके लिए। हमारे सभी लेजर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में वाउचर एंट्रीज के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेजर्स का यूज करना सीखेंगे कि लेजर्स का यूज कहां पर कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में डाउट ले सकता है मुझसे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, और जिसका कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकता है। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।